What is up and welcome back to Escape with BJ. I'm Vibhuti and I'm Jesu and guys we are in Bali. So guys हम पहुंच गए हैं बाली और हम कल शाम को पहुंच गए थे. We came in here और फिर थोड़ा सा rest किया अपने villa में. So guys बाली आना बहुत ही ज़्यादा easy है and बहुत convenient है specially हम Indians के लिए because यहाँ पे हमें visa on arrival की facility मिलती है and वो भी सिर्फ $35 में अराउंड 2800 रुपीज़ में पड़ेगा इंडियन करेंसी में. आप आएंगे ऑन अराइवल आपको बहुत ईजिली वीज़ा मिल जाता है आधे घंटे में आप एयरपोर्ट के बाहर एंड उसके बाद यू आर गुड टू एंड एक्सप्लोर बाली. तो हम बाली एक्सप्लोर करने वाले हैं फॉर 7 डेज और आपको बहुत सारी जगह दिखाएंगे क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए बाली में. बट उससे पहले आपको देते हैं विला का टूर. तो हमने पूरा विला ही बुक कर लिया बिकॉज वी आर अ फैमिली ऑफ 8 पीपल एंड दिस विला इज गॉर्जियस. मतलब आप देख सकते हो मेरे पीछे है इतना सुंदर सा स्विमिंग पूल, इतना ग्रीनरी है यहाँ पे. सो द विला इज ब्यूटिफुल. सबसे पहले चलो आपको दिखाते हैं हमारा विला. सो लेट्स गो. हम रुके हैं विला प्रॉस्पेरिटी में जो कि चांगू एरिया में है. बहुत ही अच्छा लाइवली एरिया है. द मोमेंट यू एंटर दिस विला यू कम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल लैंडस्केप. बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है. वाटर बॉडी है यहाँ पे, टर्टल्स फिशेस वगैरह हैं. मतलब एंटर करते ही आपको इतना अच्छा सा फीलिंग आएगा. थोड़ा अंदर चलते हैं और यहाँ पे है थोड़ा डेकोर पीसेस रखे हुए हैं, कुछ सोफ़ा वगैरह है. एंड व्हेन यू मूव इनसाइड तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है, किचन है, फुल इक्विप्ड किचन है. तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, एवरीथिंग इज़ हियर. ऑल द यूटेंसिल्स आर हियर. तो आप यहाँ पे खाना भी बना सकते हो. यहाँ पे कटलरी भी रखी हुई है, लेट मी शो यू दैट. तो यहाँ पे प्लेट्स, बाउल्स, ग्लासेस वगैरह सब कुछ रखा हुआ है. एंड मैं आपको ड्रॉअर भी ओपन करके दिखाती हूँ. सो यहाँ पे पैन वगैरह है, लैडल, चॉपिंग बोर्ड, सब कुछ ही है. सो इट्स अ नाइस वेल इक्विप्ड किचन एंड आई लव द लिविंग एरिया. ये नीचे का बेडरूम है. सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 1. ऊपर 3 बेडरूम और हैं. बट नीचे मुझे सबसे बेस्ट जो हाईलाइट ऑफ द विला था वो था ये स्विमिंग पूल. और यहाँ का एरिया इतना ब्यूटीफुल है, इतना ग्रीन है. कांट वेट टू स्पेंड सम टाइम ओवर हियर. बहुत ही ब्यूटीफुल था ये. अब ऊपर चलते हैं एंड लेट मी शो यू ऊपर का एरिया. ये भी बहुत सुंदर है. यहाँ पे एक बालकनी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ. बट लेट मी शो यू द लिविंग एरिया एंड बेडरूम. तो ये ऊपर का लिविंग एरिया है एंड यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली हियर एज वेल. बहुत ही सुंदर है. आई लव द फैक्ट दैट यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है. एंड दिस इज़ आवर बेडरूम. बहुत ही ब्यूटीफुल कोजी बेडरूम है. बहुत ही सुंदर लगा मुझे यहाँ का इंटीरियर. यहाँ पे कुछ हैंगर्स और कुछ सामान रखने के लिए देयर इज स्पेस, टॉल्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे. सो दैट्स ग्रेट. एंड उससे बेटर मुझे लगा यहाँ का वॉशरूम. बहुत ही स्पेशियस बाथरूम है एंड लेट मी शो यू. सो दिस इज़ द बाथरूम. आई लव दिस ह्यूज बाथटब एंड बहुत ही स्पेशियस बाथरूम था ये. नाउ लेट मी टेक यू आउटसाइड. तो यहाँ बाहर से स्लाइडिंग डोर्स हैं एंड व्हेन यू मूव आउटसाइड दैट तो यहाँ पे एक बालकनी बनी हुई है. छोटी सी है बट या यू कैन सी एंड एंजॉय द व्यू फ्रॉम हियर. यहाँ से स्विमिंग पूल भी दिख रहा है. We are super rich in Bali. देख लो इस आदमी को. हवा करने के लिए भी बहुत मिल जाएंगे. Yes. We have 1 lakh rupees का नोट. दिखाना एक बार. So one lakh rupees. Wow. वैसे तो 1 करोड़ कभी देखने को मिले नहीं है बट हाँ अभी हाथ में 1 करोड़ से ज्यादा. Yo. So guys, right now we are in Cafe Vida and this place is so beautiful. और हम यहाँ पे आए हैं breakfast करने के लिए and let's go and try something out. So we are having this avocado toast and this dragon fruit bowl. How's the taste? Very colorful and very good.
गाइस वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट एंड इट वाज सुपर डिलीशियस मील और अब हमारी टैक्सी आ गई है एंड हम चल रहे हैं सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्टॉप. Also guys, please meet Katu, he'll be driving us in Bali. तो हमने ले ली है सिम कार्ड. वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है बिकॉज वाईफाई हर जगह होता है कैफेज़ में, बट जस्ट गॉट इट क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम किसी टूरिस्टी प्लेस में हैं तो विल नीड डेटा. तो यू कैन ऑल्सो बाय इफ़ यू वॉन्ट टू. और ये है 1 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ की, दैट इज़ अराउंड 500 रुपीज़, और इसमें है 7 GB डेटा. सो या वी हैव गॉट द सिम कार्ड नाउ. गाइज हम आ गए हैं अपने पहले स्टॉप पे विच इज़ मंकी फॉरेस्ट और अब अंदर चल के मिलते हैं कुछ क्यूट मंकीज पे. आई एम लिटरली स्केयर्ड राइट नाउ बट या लेट्स गो एंड मीट द मंकीज. फोन बचा के चलना पड़ेगा. डरावने से मंकीज बन रहे हैं. तो गाइस मंकी फॉरेस्ट में जाने के लिए आपको टिकट भी लेनी पड़ती है और यहाँ के टिकट का प्राइस है बेसिकली अडल्ट्स के लिए 80,000 है एंड अगर किड्स हैं 3 to 11 ईयर ओल्ड उनके लिए 60,000. सो हाउ मच इज दैट इन इंडियन रुपीस? 80,000 इज अराउंड 400 विच इज ओके. मतलब बंदरों को देखने के लिए हम 400 रुपए दे रहे हैं. दे सकते हैं. तो चलो चलते हैं, लेट्स गो. गाइज अभी हम मंकी फॉरेस्ट में घूम रहे हैं एंड यहाँ के बंदर बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं. हमारे इंडियन बंदरों जैसे नहीं हैं, मतलब झपट्टा मारने वाले टाइप्स नहीं हैं. खाने पीने को इन्हें बहुत कुछ दिए रखता है, जोन बने हुए हैं इनके फूड वाला, तो सब अपना खा पी के तो इन्जॉय करते रहते हैं. प्लस फोटोज़ वगैरह आप खिंचा सकते हो, फन है. हाँ ऑल्सो गाइज आई गॉट अ वेरी फेमस पिक्चर क्लिक्ड हियर. तो यहाँ पे हम मंकीज के साथ ऐसे फोटो खिंचवा सकते हो जैसे मंकी आपकी सेल्फी ले रहा है और ये 50,000 रुपीज में वो खींच देते हैं आपकी फोटो. तो बेसिकली वो ऐसे खाने के लिए कुछ देते हैं और ऐसा लगता है कि मंकी आपकी फोटो खींच रहा है, मतलब सेल्फी ले रहा है. सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम फॉलो अस देयर और वहाँ पर हमारी ये फोटो देख सकते हो. एंड आर यू एंजॉयिंग मंकी फॉरेस्ट? यस ऑफ कोर्स. मजा आ रहा है मूंछों वाले अलग अलग टाइप के मंकीज देखने को. यहाँ पे लिटरली 1049 मंकीज हैं जो ऑफिशियल काउंट में हैं, बाकी yes. पता नहीं कितने हैं बट 1049 हैं. हे गाइस अभी हम आ गए हैं टेगलांग राइस फील्ड में और यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कॉफ़ी प्लांटेशन एंड हम बाली स्विंग भी जाएंगे. तो सबसे पहले चल के देखते हैं कि यहाँ पे जो फेमस लुवक कॉफ़ी है बाली की, जो बहुत ही फेमस और बहुत एक्सपेंसिव कॉफ़ी है, वो कैसे बनती है एंड देन विल गो फॉर बाली स्विंग. Coffee plant. I will show you the coffee plant. Okay. Yeah, in here we grow to that our coffee are coffee plant Arabica and Robusta. So this is the Arabica coffee mm-hmm. and this is the Robusta coffee. Mm-hmm. For the Arabica coffee, they have a small leaf, mm-hmm. and for the Robusta coffee, they have bigger leaf. And different. These are the. This is the bean. Beans. This is the bean for the Robusta coffee. Okay.
but for the green color coffee bean, that's still young, not ready processed. So ready processed the red color. Okay. Red one. Okay. Luwak. 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 तो गाइज यही है वो लुवक एनिमल जिसकी पूप से लुवक कॉफी बनती है और बाली की बहुत ही फेमस कॉफी है. We clean this first, use hot water and normal water, and then we dry coffee bean under sun until less water. Yeah, for the dry we need around 2 weeks. 2 weeks. Yeah, 2 weeks or something more. Okay. Yeah. After we dry coffee bean under sun, we open the second shell. Yeah. तो यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि कैसे कॉफ़ी बीन्स को क्लीन किया जाता है हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में, और उसके बाद उसके ऊपर की वो जो आउटर लेयरिंग होती है वो उसको निकालते हैं एंड उसके बाद उसको रोस्ट करते हैं. Or dark color. Okay. And next process we making for the use this equipment. We do this one so long. तो अभी हमें मिली है इतनी सारी कॉफ़ीज़ और टीज़, कुछ अलग अलग हैं, लाइक दिस रोज़िला टी कुछ अलग सी लग रही है और बहुत सारी है, कोकोनट टी कॉफ़ी बहुत कुछ है. सो इसको टेस्ट करते हैं, बट जस्ट लुक एट द व्यू, सो नाइस. Finally trying the coffee made out of poop. Luwak. Luwak coffee. The famous Luwak coffee. How's the taste? Basically Arabic coffee jaisa flavor aa raha hai. Dark, strong. Nothing unusual, but haan, Arabic coffee strong. Fir tumne mujhe bola tha ki main poop ki coffee kabhi nahi piyunga. But coffee to mujhe pasand hai isliye. Achhi lagi? Haan, maine pehle test kiya. Worth it try karna. It's worth it, yeah. Yeah. ओके, अदरवाइज 10 ऑप्शन है आपके पास. चलो मैं भी ट्राई करती हूँ. बाली आओ और लुवक कॉफी ना पियो तो फिर क्या पॉइंट है. ओके, सो इट्स माय टर्न टू ट्राई द लुवक कॉफी. कैसी है? आ जाना ना घर बैठ जाना. इट्स सो स्ट्रांग. बहुत ही स्ट्रांग है. इट्स गुड, मतलब थोड़ा अनयूजुअल टेस्ट है बट ओके, ठीक है. Not bad at all. Try तो कर ही सकते हैं. Try कर सकते हैं. So, the coffee made out of poop. तो गाइज हमारा कॉफ़ी टूर हो गया है पूरा और अब हम आ गए हैं बाली स्विंग के लिए. बहुत सारे टाइप के स्विंग्स हैं, जैसे आपको मेरे पीछे एक दिख रहा होगा, इट्स अ कपल स्विंग. और भी बहुत सारे टाइप के स्विंग्स हैं. तो हमने एक पैकेज लिया है जिसमें 2 लाख इंडोनेशियन रुपये में हमें बाली स्विंग मिल रहा है एंड ये हर जगह हमें फ़ोटोज़ मिलेंगी. सो कहीं पे भी हम फ़ोटो बूथ्स में जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं. लाइक बर्ड नेस्ट है, केज है, बहुत प्यारे प्यारे स्विंग्स हैं. सो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट. एंड ऑल्सो 1,50,000 में मैंने एक ड्रेस भी ले ली है, तो आप यहाँ पे आके ड्रेस भी रेंट आउट कर सकते हो. तो होते हैं ना फ्लोइंग सी फ़ोटो, वो बड़ी अच्छी सी लगती है. तो मेरा तो मन था कि मैं ऐसी ही फ़ोटो लूँ. सो या एंड मेरे पीछे व्यू देख लो यार, कितना सुंदर है. मतलब स्विंग करने में बहुत मज़ा आएगा. सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. सो लेट्स गो फॉर द स्विंग. ओके, सो वी आर डन विद द बाली स्विंग एंड बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मुझे तो सच में बहुत ही मज़ा आया. इट्स अ मस्ट थिंग टू डू. सो नाउ वी आर डन विद दिस एंड अब चलते हैं अपने अगले स्टॉप पे. लेट्स गो. सो इफ यू आर कमिंग टू बाली यू कैन कॉन्टैक्ट कटूट. यस, बिकॉज यू आर अमेजिंग. बहुत अच्छी अच्छी जगह हमें लेके गए हैं ये. सो मैंने और एनी ने पैक कराया अपने लिए बर्गर. और एनी पर बर्गर दिखाना कितना बड़ा है. ओह माय गॉड, दिस इज द वेजिटेरियन बर्गर एंड द पैकिंग इज सो नाइस. गाइस
अब हम आ गए हैं तीर्थ एम्पल टेम्पल में, विच इज़ जस्ट बिहाइंड मी. तो चलो चलते हैं और यहाँ पे भी एक्सप्लोर करते हैं. ऑल्सो यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो 50,000 की टिकट है जो आपको लेनी पड़ेगी इस टेम्पल में जाने के लिए. सो या लेट्स गो, वी आर एंट्रिंग नाउ. और ये हैं ऑफरिंग्स जो कि आपको घर घर और हर दुकान के बाहर मिलेगी. एंड इसमें आप जो भी ऑफर करना चाहते हो भगवान को वो कर सकते हो, विच इज़ नाइस. जैसे मुझे यहाँ पे एक चॉकलेट भी दिख रही है. तो यहाँ पे है सरोंग काउंटर और यहाँ पे आपको टेंपल के अंदर सरोंग पहन के जाना पड़ेगा. सो लेट्स चूज आवर ऑल ड्रेस्ड अप इन द सरोंग. अभी हम तीर्थ एम्पल टेम्पल के अंदर हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है होली स्प्रिंग वाटर, जिसमें लोग बिलीव करते हैं कि जब वो यहाँ पे बात लेते हैं तो इट प्योरीफाइज देम एंड देयर सोल. तो जैसे हमारे लिए गंगा जी हैं, वैसे ही इनके लिए ये इनका होली वाटर है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे हैं. इस टेम्पल का आर्किटेक्चर इज सो ब्यूटिफुल. लाइक जस्ट लुक बिहाइंड मी, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे आर्किटेक्चर किया गया है. तो दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटिफुल. एंड लुक एट दीज जैक फ्रूट्स, कितने बड़े हैं. आई कैन नॉट इवन लिफ्ट देम, वेरी हैवी. तो वो जो घर है वो यहाँ के प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट का है ऐसा हमारे ड्राइवर जी ने हमें बताया है. नहीं सारी नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं. ओ माय गॉड, आपको पता है एक फिश ना पता कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, सच में बहुत बड़ी है यहाँ ये तो. वाओ. सो गाइज देर आर मेनी मेनी शॉप्स ओवर हियर जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो. वाह ये प्रिंसेस वाला अच्छा लग रहा है. आई लव बाली. सेंट्रल उबुद में और आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है दैट इज़ उबुद पैलेस. यहाँ की एंट्रेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप कभी भी जा सकते हो, बट ऑफ कोर्स इसके टाइम से अभी ये बंद हो गया है. तो विल ट्राई टू कम टुमारो एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस, बट राइट नाउ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सेंट्रल उबुद. यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं और बहुत ही हैपनिंग सा एरिया दिख रहा है. एज यू कैन सी बिहाइंड मी वेरी क्राउडेड. You can get your money changed. एंड गाइज विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस व्लॉग, बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज बाली के और भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. अभी के लिए बाय बाय.